क्वेश्चन नंबर टू गिवन बिलो आर द देयर ऑफ कॉन्ग्राइंगल्स स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंट्स एंड नेम द कॉन्ग्रट ट्राइंगल इन ईच केस हमको ये बताना है कि किस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रेंट है और उन ट्राइंगल्स के नेम देने हैं देखिए फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए आप ये साइड इस साइड के इक्वल ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये साइड साइड के इक्वल ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्या साइड एंगल साइड ठीक है फर्स्ट वाले में क्या आंसर है साइड एंगल साइड देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल तो फर्स्ट वाले का आंसर है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी और ट्राइंगल कौन कौन से हैं देखिए ट्राइंगल है ए सी बी कॉन्वर्टेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के तो वो दो ट्राइंगल है ठीक है सेकेंड वाला पार्ट देखिए देखिए ये 90 डिग्री है और इधर ही ये 90 डिग्री है ये हाइपोटेन्यूस है इधर ये हाइपोटेन्यूस है और एक साइड पी क्यू और एक एम एन अगर मैं कहूं कि <laughs> ये है आर एच एस कॉन्ग्रंसी ठीक है देखिए कैसे ट्राइंगल पी आ, आर पी क्यू देखिए आर ये रहा पी ये रहा क्यू ये रहा तो ये किसके इक्वल है एल एन एम के एल एन एम के कैसे देखिए सबसे पहले राइट एंगल देखिए राइट एंगल किस पर है पी पर इधर है एन पर तो ये राइट एंगल हो गया ठीक है हाइपोटेनस कौन सी होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो 90 डिग्री के सामने आर क्यू है और इधर नाइन्टी डिग्री के सामने एम एल है तो ये दोनों इक्वल हैं देखिए दो मार्क दे रखे हैं और साइड देखिए पी क्यू किसके है एम एन के तो इस कॉन्ग्रेंसी से क्या हुआ कॉन्ग्रेंट और ये नाम है इन ट्राइंगल्स का ठीक है थर्ड देखिए थर्ड में देखिए इस ट्राइंगल की तीनों साइड उस ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल है तो इस कॉन्ग्रेंसी को क्या कहते हैं एस 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 कॉन्ग्रेंसी ठीक है तो ट्राइंगल वाई एक्स जेड कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल टी आर एस के ठीक है देखिए ये साइड जो है एक मार्क से शो कर रखी है और ये साइड भी एक मार्क से तो ये दोनों इक्वल है ये दो मार्क से और ये दो मार्क से तो ये वाली साइड इसके इक्वल है और इस ट्राइंगल की ये थ्री से लगा रखा है तो थर्ड साइड इस ट्राइंगल के थर्ड साइड से इक्वल है तो मैंने इसका नाम दे दिया अब फोर्थ पार्ट देखिए फोर्थ पार्ट में है देखिए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी और कौन कौन से ट्राइंगल में ट्राइंगल डी ई एफ है ट्राइंगल पी एन एम के देखिए दो तो एंगल हैं देखिए ये एंगल और ये एंगल और इसकी इंक्लूडेड साइड उस ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल एंगल एंगल से, ये एंगल ये एंगल से इंक्लूडेड देखो तो दो एंगल है और उन्हीं से इंक्लूडेड साइड तो इस कॉन्ग्रेंसी को एंगल साइड एंगल कहते हैं अब फिफ्थ पार्ट देखिए फिफ्थ पार्ट में मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं पहले एंगल साइड एंगल कॉन्गोडेंसी और कौन कौन से में कौन कौन से ट्राइंगल में ए सी बी में ए सी बी में ये कॉन्गोडेंट है किसके ट्राइंगल ए सी डी के ठीक है देख लिया ध्यान दे से फिफ्थ पार्ट में एंगल इसके इक्वल ये वाली साइड इस ट्राइंगल में भी है और इस इसमें भी है तो ये दोनों साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है इसलिए ए सी की लेंथ इक्वल होगी और देखिए ये सिक्सटी है ये सिक्सटी है तो ये दो एंगल देखिए ये एंगल इसके इक्वल ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल में आ रही है ठीक है तो इक्वल होगी तो एंगल साइड और एक एंगल और दिखाना था ये सिक्सटी है ये सिक्सटी है तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रेंट हो गए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर